सो दैट इज योर, ये एक नोट है एक्चुअली। चलिए, सो ओके, सो दिस इज अ नोट, टेमिनिज्म जो है उसके बारे में। तो डिस्कवर्ड बाय हावर्ड टेमिन एंड डेविड बाल्टीमोर, ये उनको नोबेल प्राइज, जो रेनाटो डेल्बेको है ये उनके गुरु हैं एक्चुअली। इज द ट्रेनर या टीचर ऑफ योर होम हावर्ड टेमिन। ठीक है, चलिए। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, सो दिस इज अ डाउट दैट यू हैड आस्क्ड, इसको हम सर, आई लोग रख। वांटेड आउट हाँ बोलिए। सर, गुड क्वेश्चन थोड़ा जो, तो शेप ऑफ टीआरएनए इन 3D, हाँ, 3D शेप ऑफ टीआरएनए, कैपिटल एल, एल्च कैपिटल एल हो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके सर, हैं। हाँ, कैपिटल एल्टा तो सर ईस्ट और फिनाइल एलानिन वो टीआरएनए और सबका उसमें है, वो सबका सेम है। ऑलमोस्ट और सेम होंगे। हाँ, वो सबका ईस्ट क्या, कोई को वीआईपी है क्या? ईस्ट मतलब यूकैरियोट्स, उसमें डिस्कवर हुआ है, द डिस्कवरी इज इन सर, ईस्ट। क्योंकि अब हम हर एक में तो डिस्कवर कर नहीं सकते ना, मॉडल किसी हाँ एक में सर, डिस्कवर हुआ है, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय आरोन किम एंड क्लार्क। वो तो हम ऑलरेडी यस इलेवेंथ सर, क्लास में पढ़ किम चुके एंड क्लार्क, हैं। हाँ, तो इसीलिए वो हम ऑलरेडी, इसमें भी आपका जो ट्रांसलेशन में दोबारा हम उस टॉपिक पे आएंगे, टीआरएनए पे, बट विल कम इन ट्रांसलेशन, अभी तो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। यस सर, चलिए, सो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन कॉन्टिन्यूड। तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिस्कस कर रहे थे, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ब्लैक दलू, अभी ठीक है मौत ठीक है पढ़ लो। हाँ, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। फाइन, जो ट्रांसक्रिप्शन है हमारा, तो उसमें हम लोग टेम्पलेट डिस्कस कर रहे थे। ओके, नाउ अब टेम्पलेट में एक तो प्रॉब्लम है जो हम लोग को देखना पड़ेगा। नाउ द डीएस डीएनए, ओके, जो टेम्पलेट है, हम लोगों ने कल एक तो स्टोरी उसका ऑपरेन रिलेटेड पढ़ रहे थे, बट अब हम टेम्पलेट पे आ जाते हैं। द डीएस डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड, ओके, इज ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट द एमआरएनए इतने कहीं दे लो हाफ करे मतलब से जो शू ये दे, बट द एम वाइस कर वाइस करके, बट द एमआरएनए इज, एमआरएनए और आरएनए ले लो, बट द आरएनए इज क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड, यस ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड, ओके। अर्लियर पीपल बिलीव दैट बोथ द स्ट्रैंड्स कॉन्ट्रीब्यूट इन द सिंथेसिस ऑफ द क्या, आर एन ए, बट नाउ इट इज प्रूव, ओके, बट नाउ इट इज प्रूव बियॉन्ड डाउट। हाँ, ना तू हापी मत दे, अब आइस अच्छी दे लो, अब इसी तरह आइस को भी दे, अच्छी अच्छी मम्मी रख। देख रहे हो, यू लाइक द शेप ऑफ द ग्लास? बूट, हाँ, यस सर, यस, यस सर, आज थोड़ा मैं मन यस, अच्छा नहीं है तो इसलिए तो मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूं, ओके, मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं ऐसे गाना गा रहा हूं। चलो, सो तो बट बोथ द स्ट्रैंड कंट्रीब्यूट इन सिंथेसिस, बट नाउ इट इज प्रूव दैट आउट ऑफ द, ओके लुक, आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ओनली वन, ओके, कोड्स फॉर द क्या, ओनली वन कोड्स फॉर द आर एन ए,
ओके ओनली वन कोड्स फॉर द आरएनए whereas only one codes for the RNA whereas the kya the other strand looks like the RNA but has T instead ऑफ यू. ये पॉइंट समझ में आया? यस सर. यस सर. तो यही चीज अब हम बनाने का कोशिश करेंगे. ओके तो सपोज हम लोग एक डीएनए स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है, ATATA GCTA CTA GCA ATA CGTA GCGCTA TA. ओके तो ये एक स्ट्रैंड हमने बना लिया. ओके नाउ तो सपोज ये है 5 प्राइम एंड सपोज ये है 3 प्राइम. बल्ले बल्ले तो ये आपका एक स्ट्रैंड ऑफ DSDNA है, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है. तो जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या होगा. टी ए टी ए टी टी सी जी सी जी ए टी ए टी हाँ रुको धीरे धीरे बोलो, मैं टाइप कर रहा हूँ. संदीप बोलो ए टी जी ए टी ए टी हाँ सी जी सी जी टी ए टी टी एंड जी सी GC AT AT CG CG AT 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 5 ठीक है. कोई शक? तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. नाउ अब आपका जो आरएनए बनेगा वो इनमें से कोई एक स्ट्रैंड बनेगा. तो आप सुनिए, तो आरएनए इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन द 5-3 एंड, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हर चीज 5-3 एंड में ही होगा. तो ये आप याद रखेंगे. ओके एवरीथिंग इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैपेंस इन 5-3 एंड. कोई शक? तो आउट ऑफ देम विच इज द टेम्पलेट एंड विच इज द सेंस. तो देखो उसको मैं बना लिख देता हूं दोबारा. Whereas it was that out of the two strand only one codes for the RNA. Okay. Whereas the other strand looks like RNA. ठीक है, तो इसमें मैं रेड में लिख देता हूं, है कि नहीं. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट, है कि नहीं. तो जो बनाएगा वो टेम्पलेट. ओके टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है जी. एंड जो दिखे देखा आ गया, मजा आ गया कि नहीं. तो ये है आपका सेंस स्ट्रैंड. ओके तो जो दिखेगा वो है सेंस स्ट्रैंड, जो बनाएगा वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड. अब आप मेरे को बोलिए इन दोनों में से कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा सेंस है. नीचे वाला टेम्पलेट, क्योंकि आपका इसी रिलेटेड. देखो एनसीईआरटी क्या है, वो तो बेबी रो का बुक है ना, तो एनसीईआरटी इसके जगह पर ऐसे दे दिया है. ओके दो ठो डंडा खींच दिया है. ओके एंड दो ठो डिब्बा बना दिया है. फाइन फाइन. तो दे डोंट हैव इवन द गट्स टू टीच स्टूडेंट्स कंसेप्ट. बस आप बताओ ये ऐसा बना दिया है. अब उधर ही लिख दिया है 5 प्राइम से, इसको बाहर ले जाएं तो ये हो जाएगा क्या 3 प्राइम. एंड उसी तरह से इसको लिख दिया है 3 प्राइम से क्या जिमती हमें करते 5 प्राइम. बट
वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट इट. आप मेरे को बताइए कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा स्ट्रैंड है. फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम नीचे वाला टेम्पलेट है, ऊपर वाला कोडिंग है. समझ में आ गया. तो एक्चुअली बिकॉज सिंस द आरएनए विल बी सिंथेसाइज्ड इन द फाइव टू थ्री स्ट्रैंड, क्योंकि आरएनए जो है वो कहां बनेगा, आरएनए हर समय ये आरएनए है सपोज, तो दिस इज द आरएनए, तो आरएनए ये है फाइव प्राइम, दिस इज आरएनए. मेरा हाथ कट गया है, तो फाइव प्राइम से थ्री प्राइम. ओके, तो ये आपका आरएनए, अंडरस्टूड. तो दिस इज द आरएनए एंड ये आपका प्रोसेस है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. अब आप मेरे को बोलिए कि इनमें से कौन सा स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट है एंड कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग. नीचे वाला टेम्पलेट, ऊपर वाला कोडिंग. तो वैसे तो नीचे. हाँ बोलो बोलो संदीप, क्या दुख है. वैसे घुमा देने से तो भी तो वैसा टाइप का आ जाएगा ना. आ गया समझ ओम बाबा. इसीलिए आप इसको देखकर नहीं बता सकते. तो समझ में आया. इसके लिए एक और चीज बताना पड़ेगा. क्या? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. तो यू नीड अनदर इंफॉर्मेशन. तो सपोज दिया है, क्योंकि जेहेतु मैं करी देछि, मैं कर दूछि. तो सपोज दिस इज व्हाट, सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. ओके, इनिशिएशन साइट. तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है. ओके, तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है. तो इसका मतलब आपका यहीं से शुरू होगा. क्या? सो दिस इज द क्या टेम्पलेट. ओके, उसको एंटीसेंस. ओके, इसको एंटीसेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं. ओके, सो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एंटीसेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. फाइन. एंड जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंस, तापरे कोडिंग, तापरे क्या नॉन टेम्पलेट. ओके, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो अंडरस्टैंड. तो ये दोनों आपका रिजेम्बलेंसेस है. तो नाउ सिंस हम लोग उसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, तो अब हम लोग भी वही सेम यूज करेंगे. सपोज आपका यहां आ जाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. ओके, सपोज दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. तो अब वहां से आपका शुरू होगा क्या, आपका आरएनए. तो व्हाट डज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट मीन, यू नो. +1 याद आया, हम लोगों ने पढ़ा था ना +1 साइट, -1 से +1. हाँ,